पिछले दिनों कानपुर में हुए ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 26 लोगों की मौत होने के बाद पूरे प्रदेश में यातायात व्यवस्था को लेकर फिर से एक नई बहस छिड़ गई है। हालांकि इस हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जनता से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर यात्रा नहीं करने का आग्रह किया गया था, जिसके बाद प्रदेश के पुलिस विभाग द्वारा सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस विषय में आदेश जारी कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन अगर हम यातायात व्यवस्था के मुद्दे पर धरातल पर जाकर सच्चाई जांचे तो पता चलता है कि हजारों लोग रोजाना अपनी जान जोखिम में रखकर वाहनों में यात्रा करने को मजबूर हैं। और संबंधित विभाग व उसके अधिकारी पंचायत वेब सीरीज के एक डायलॉग की भांति अंग्रेजी में बोलकर बातों को घुमाने में लगे रहते हैं। इस मामले की वानगी उस समय देखने को मिली जब इस लचर यातायात व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने सहारनपुर के संभागीय परिवहन अधिकारी राधेश्याम से बात की, तो उन्होंने पूरे मुद्दे को घुमाते हुए इस मामले को पुलिस थाने के सहयोग व जनता की जागरूकता पर ही डाल दिया था। मामले पर ठोस कार्य योजना के बजाय विभाग के आंकड़े प्रस्तुत करते नजर आए। सर, सहारनपुर में जो ओवरलोड थ्री व्हीलर चल रहे हैं उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है जी? ओवरलोड की तो कार्रवाई की जा रही है, ओवरलोड के अलावा जो रूट से भिन्न जा रहे हैं, जहाँ तक उनका रूट है उससे आगे जा रहे हैं, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। और बिना टैक्स के, बिना परमिट के, बिना फिटनेस के, इस तरह बिना लाइसेंस के जो चला रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1 अप्रैल से, जनपद केवल सहारनपुर के बता रहे हैं, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 327 ऑटो टेम्पो ई रिक्शा का चालान किया गया है, जिसमें से 149 गाड़ियों को बंद किया गया है और इनसे 21,46,000 रुपये जुर्माना आ चुका है। अभी कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो छुड़ाए नहीं हैं, तो उनको जो है जो इलीगल वो है, जिनका वो है असेंबलेशन, उनको डिसमेंटल की कार्रवाई की जा रही है और बाकी को कोर्ट में भेज कर या नीलामी की कार्रवाई। सर, सहारनपुर के हम भी देख रहे हैं जंतर रोड चौक पर, जंतर रोड पे जो थ्री व्हीलर चल रहे हैं, इसमें परमिट कहाँ तक का है और कितने सवारी तक की परमिशन है? परमिशन तो जितने में उनकी सीटिंग कैपेसिटी पास है यहाँ से लीगल रूप से, उनको परमिशन उतने की ही जी। और उनका जो परमिट है नगर निगम एरिया का जो होता है, नगर निगम एरिया का या जो RTA का परमिट जारी होता है, उनके 16 किलोमीटर परिधि का जारी होता है, तो उससे अगर वो आगे जा रहे हैं तो अपने परमिट का शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जा रही है लगातार। और इन रोडों पर दो महीने से विवाद भी चल रहा है, कई बार ये RTO PTO गए भी हैं, कार्रवाई भी किए हैं, लेकिन ये लोग जब मौका पाते हैं तो वो करते हैं, ओवर रूल करते हैं, अपना जो है अनुशासन तोड़ते हैं, चल देते हैं। और इसमें थाने से भी हमारी अगर मदद हो जाए तो हम जो योजना है वो अच्छी तरह से लागू की जा सकती है। सर, सहारनपुर में जो जंतर रोड चौक पे हमने चेक करा थ्री व्हीलर में देखा, कम से कम 3 सवारी पर जो परमिशन है उसमें आगे पीछे तक भी सवारी अनसर्ट भरी हुई है और एक नहीं कई टेम्पो जो सड़क हादसों का उसमें क्या करना है? हम दोनों को चाहिए ना, जो जिसकी जिसकी गाड़ी है वो तो पैसा कमाना चाहता है, तो वो तो जितना ज़्यादा सवारी बैठेगी उतने उसको किराया मिलेगा, लेकिन सवारी को भी चाहिए कि सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर सवारी हो रही है तो न बैठे उसमें। आप हमारे चैनल तो उस पर जा कर के बिना जगह के लोग